हाय गाइस, वेलकम बैक इन आईओटी प्लेलिस्ट। आज अपन बात करने वाले हैं सेंसर क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसर्स। तो विदाउट सेंसर वी कांट इमेजिन आईओटी। देखो, सेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक्चुअल वर्क ही सेंसर करता है इस चीज़ में। मैं आपको समझाता हूँ। तो सेंसर्स आर डिवाइस, कुछ भी नहीं है, डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रिप्लेसिंग इट विद द सिग्नल्स दैट ह्यूमन एंड मशीन्स कैन डिस्टिंग्विश। यानी कि क्या करता है, एनवायरनमेंट से कुछ सिग्नल्स लेगा सेंसर, उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके प्रोसेसर या कंट्रोलर को दे देता है। यहाँ पे देखिए, फिजिकल आपका फिनोमिनन है कोई भी, लाइक आपकी हीट है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर भेजेगा सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर या प्रोसेसर के पास में। तो यहाँ पर यही बोला है कि आईओटी सेंसर्स यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द वेरियस फिजिकल फिनोमिनन सच एज हीट या प्रेशर, ठीक है, या तो हीट चेक करें या प्रेशर, या एज वेल एज जो भी आपके 5 ह्यूमन सेंसेज है, कौन कौन से, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, इन सब को भी डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स पार्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसर क्या कर रहा है, फिनोमिनल जो भी आपकी फिजिकल है एक्टिविटी, उसको सेंस करके इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे कंट्रोलर डिसाइड करेगा इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर करना है, तो वो कंट्रोल सिग्नल देगा एक्चुएटर को, एक्चुएटर यहाँ से अपन को आउटपुट देगा और एक्चुएटर को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सुबह हो चुकी है और अपन को पर्दे ऑटोमेटिकली हट जाए, ठीक है, ताकि आपके ऊपर वो रोशनी पड़े और आप उठ जाओ। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगेगा मॉर्निंग के अंदर, तो सेंसर इसको सेंस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल भेजेगा किसको, कंट्रोलर का, और कंट्रोल सिग्नल यहाँ से कंट्रोलर भेजेगा कंट्रोल सिग्नल एक्चुएटर को कि यहाँ पर आप एक मोटर लगी होती है पर्दे के ऊपर, डीसी मोटर कह सकते हो, ठीक है, जो उसको सिग्नल देगी कि इस मोटर को घुमाओ ताकि वो पर्दे ऑटोमेटिकली हट जाए अपनी जगह से, लेफ्ट शिफ्ट हो जाए और राइट शिफ्ट हो जाए, दोनों साइड जाए। तो एक्चुएटर ये चीज़ फील करेगा और एनर्जी उसको मिलती रहेगी कहीं ना कहीं से, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो तो उसको मिलेगी और वो मोटर को घुमाएगा तो ये अपना आउटपुट यहाँ पे मिलेगा और एट द एंड पर्दे खुल जाएंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस काम करेगी। इस वाली वीडियो में अपन केवल सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्चुएटर क्या होता है। ऑलराइट, अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसके टोटल है 10 टाइप्स, ठीक है, मेन मेजर जिसकी अपन बात कर सकते हैं। तो पहला टाइप आता है आपका टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगा सेंसर, इससे आप समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमिडिटी यानी कि जो भी आपके अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है आपने एयर में, जैसे एयर कंडीशनिंग होती है, हीटिंग होती है, उनके अंदर अपना ह्यूमिडिटी पाई जाती है, तो उसको ह्यूमिडिटी को सेंस कर लेगा। प्रेशर की बात करो, देखो लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में, जो भी प्रेशर हो उसको डिटेक्ट कौन करेगा, प्रेशर सेंसर। बात करूँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, एक प्रॉक्सिमेशन आंसर होता है, समझ पा रहे हो। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मेन यूज होता है आपकी किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेट आंसर देना, एक तरह से जैसे एग्जांपल लूँ कि पार्किंग अपनी मॉल के अंदर हो, एयरपोर्ट के अंदर हो, या किसी भी स्टेडियम के बाहर हो, तो जैसे ही गाड़ियों की हट जाएगी वहाँ से, तो वो डिटेक्ट करके अपन को बताएगा, इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है, यहाँ पे अपनी कार पार्क कर लो। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू होता है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर जगह खाली है और ये डिटेक्ट करके बता दिया आपको, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया जाता है। लेवल सेंसर, ठीक है, किसी भी चीज़ का लेवल, लाइक लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, उनमें लेवल होते हैं, लाइक सीमेंट की फैक्ट्री, उसमें लेवल वाइज अपन कितना प्रोडक्ट डालना चाहिए, तो उस चीज़ को डिटेक्ट कर देगा कि इससे ज़्यादा मटेरियल इसमें मत डालो, तो वो आ गया आपका लेवल सेंसर के अंदर। अब बात करते हैं अपना 6-1 एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। तो एक्सेलेरोमीटर एक्चुअली क्या कर रहा है, तो एक्सेलेरोमीटर से समझ गए एक्सेलेरेटर, समझ पा रहे हो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा कि मतलब रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, कि उसने अपनी स्पीड 30 से 40 कर दी तो उसको डिटेक्ट कर देगा, या हाई स्पीड पे जाओगे तो मैसेज आ जाएगा इतना गाड़ी तेज मत चलाइए गाइस, तो इस तरह का मैसेज आपको मिल जाएगा। हमारा जो गायरोस्कोप है वो सिमिलर है एक्सेलेरोमीटर के लिए की तरह ही है, मतलब वो भी मोशन को और वेलोसिटी को डिटेक्ट करता है, साथ के साथ रोटेशन को भी गायरोस्कोप डिटेक्ट कर लेता है अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आप एक एडवांटेज देख सकते हो, गायरोस्कोप में रोटेशन की भी बात देख ली जाती है। गैस सेंसर में लाइक पोल्यूशन हो गए, अदर गैसेस है एनवायरनमेंट में, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाली गैस इतनी है इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में इतनी है, ठीक है, तो वो गैस सेंसर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इंफ्रारेड सेंसर आप जानते हो बड़े अच्छे से, इंफ्रारेड रेडिएशन को पहचानने के लिए, साथ के साथ इंफ्रारेड और कहाँ यूज किया जाता है, मेडिकल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस सेंसर का, ब्लड प्रेशर हुआ आपका,
ब्लड सेल्स कितना आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज किया जाता है। एक और बढ़िया चीज़ बता दूँ, इंफ्रारेड सेंसर का यूज पेंटिंग में भी होता है। जी हाँ, पेंटिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे, क्या होता है कि पेंटिंग में कुछ हिडन लेयर्स होती है, मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी ओरिजिनल पेंटिंग है और कौन सी उसकी डुप्लीकेट या फेक पेंटिंग बना रही है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इंफ्रारेड सेंसर, जो हिडन लेयर्स को दिखा देता है, उससे पता चल जाता है कि ये वाली फेक पेंटिंग है आपकी। तो इंफ्रारेड सेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल सेंसर आप जानते हो, यानी इमेज सेंसर बोल सकते हो, कि जो भी मार्केट में जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो सब ऑप्टिकल सेंसर के अंदर आ ही जाती है। लाइक अगर अपन है ना लाइट सेंसर यूज करते हैं, ऑप्टिकल में आता है, तो उससे अपन अपनी बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो मोबाइल की, ठीक है। किसी भी ऑप्टिकल जैसे इमेज को रिकॉग्नाइज करना, या फिर अपनी गाड़ी जा रही है जो 60 से ऊपर स्पीड चला रहा है, तो वो चीज़ सेंस कर लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पता लगा सकता है कि कौन किस लोगों ने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना है, तो वो ऑप्टिकल सेंसर में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग, ठीक है। तो यह आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक होता है माई थिप करके सेंसर, जो क्या होता है, 5-7 सेंसर को एक साथ लेके चलता है। वो अपना स्मार्ट सेंसर है जो अभी अभी मार्केट में आया है। मैं आपको बस ऐसे ही न्यूज़ दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। माइथ नाम से है सेंसर। तो वो 4-5 चीज़ें करता है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एक्सेलेरोमीटर, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल। तो उस हिसाब से वो स्मार्ट सेंसर है, जो अपन एक ही सेंसर यूज़ कर लेते हैं ना डायरेक्ट, इतने सारे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो बस वही चीज़ें, उसका आइडिया भी होना चाहिए आपको मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये प्लेलिस्ट गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।